तो मैं अपने चैनल का नाम विशनरी की ओर रखा है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। आज का ये व्लॉग शूट करते मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताने वाला हूँ आज के इस व्लॉग में। काफ़ी सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में होने वाली है जो शायद ही आपको पता होगी, और आपको भी सारी चीज़ें जानकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने वाला है। तो आखिर तक के बने रहेगा, सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मैं बोधिसत्व जिंदर शेखर के पास में आता हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा देर इसको देख लेता हूँ कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आज के दिन मुझे देना है। तो वैसे ही मैंने जब इसमें देखा, क्योंकि सच्चा ब्लॉग है इसलिए मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करते चलता हूँ। तो जब मैं बोधिसत्व जिंदर शेखर के पास में आया और आज की तारीख देखा कि 13 मई है, और 13 मई को क्या खास बात हुई थी इतिहास को लेकर, तो मुझे यहाँ पर देख कर जो मैंने प्राउड की बात किया है वो सच में मुझे प्राउड फील हुआ। और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 13 मई 1952 डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा सदस्य शपथ विधि, राज्यसभा के सदस्य पद की शपथ विधि बाबा साहब ने आज ही के दिन ली थी। और आपको बता दूं कि आज ही का वो दिन है जहां पर डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने राज्यसभा सदस्य की शपथ विधि ली थी। और इसी के साथ साथ ये फोटो आप जो देख रहे हैं, ये फोटो है परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी इनका, जो मैंने अपने घर पर लगाया है। और आज ही के दिन मतलब कि 13 मई को बहुजन समाज पार्टी की चौथी बार उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार बनी थी, और चौथी बार परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। मनोहर कांचीराम साहब एक बात कहते हैं कि मुझे सम्राट अशोक का भारत देखना है। सम्राट अशोक की जो संकल्पना थी या उनके जो विचार थे, उन्होंने जिस तरीके का अपने समय भारत बनाया था, वैसे भारत की संकल्पना कांशीराम साहब ने किया था। और वो अवसर मिला था परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को, और बहुजन समाज को वो अवसर आज ही के दिन मिला था 13 मई को। हजारों हजारों सालों के बाद में जिन लोगों को गाँव के अंदर में रहने का अधिकार नहीं था, धन संचय करने का अधिकार नहीं था, हाथों में शस्त्र लेने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि एजुकेशन लेने का राइट्स नहीं थे, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने हाथों में सत्ता की मास्टर चाबी ली। तो इस बात को मैंने एनालिसिस किया, और आप भी इस बात को एनालिसिस करके देखिए कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि अपनी बात को बोलने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास रखती है। तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी नजर आती है जिसका घोषणा पत्र वो खुद एक भारतीय संविधान है। वो चुनाव में किसी भी तरीके के घोषणा पत्र जारी नहीं करती, क्योंकि उनका साफ कहना है कि इस देश का भारतीय संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। और ऐसी कौन सी पार्टी है? अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि दीक्षा भूमि नागपुर यहाँ से 130 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं, लेकिन ये खबर झूठी है। लेकिन जो सच खबर आ रही है वो ये है कि कोविड केयर सेंटर को लेकर वहाँ पर 30 बेड लग चुके हैं, जो 15 बेड जो होंगे वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और 15 बेड नॉर्मल होंगे। इस तरीके से वहाँ पर कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। ये भी बहुत अच्छी खबर है हमारे समाज के लिए, गर्व वाली खबर है, क्योंकि बुद्धिज़्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो दान देने वाला है। तो जिस बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस बुक के बारे में इसके पहले भी मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया है, बुक का नाम मैंने दिया है किंग ऑफ बुक्स, क्योंकि बहुजन समाज से मूवमेंट से लेकर जितनी भी समस्या है उस समस्याओं को लेकर अगर हम कोई भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन का अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन हमको इस बुक में मिलता है। और ये मैंने आज इसके लिए इस किताब को लिया है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम विशनरी की ओर रखा है। थोड़ा पास में लाइए फिर हम पढ़ के दिखाते हैं। तो मिशन और मिशनरी किसे कहते हैं? मिशन का अर्थ होता है एक महान कार्य के लिए समर्पित होकर माननीय मूल्यों पर आधारित विचारधारा को लेकर मानव कल्याण को साध्य करने वाली तत्वनिष्ठा को अपना कर अपने सुखों का त्याग करके अपने समाज के राष्ट्र निर्माण के लिए निकल पड़े और सच्चे कार्यकर्ता का समुदाय टीम होता है। सिंपल यहाँ पर मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि मिशनरी का मतलब यही है कि मानव कल्याण के लिए एक विचारधारा के लिए हम काम करें, और उस विचारधारा के लिए जो काम करते उन कार्यकर्ताओं को हम मिशनरी कहते हैं, और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी मिशनरी पराग रखा है।
जब चौथी बार हमारी सरकार आई थी वहां पर आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, उन जिलों के नाम, फिर स्कूलों कॉलेजों के नाम, इन तमाम तरीके की जो चीजें बनाई गई, जो नए नए डेवलपमेंट किए गए हैं, फिर एजुकेशन सिस्टम को लेके, हेल्थ सिस्टम को लेके, हर एक चीजों के अंदर में जो डेवलपमेंट हुआ है, उन सभी में आपको कहीं ना कहीं बुद्धिज्म नजर आएगा। और जो लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म ऐसा होना चाहिए, बुद्धिज्म वैसा होना चाहिए, सिंपल सा बात है, बुद्धिज्म के अंदर में हमको दिखता है कि राजा अगर धम्म को मानने वाला होगा तो प्रजा को भी धम्म को मानने वाली बनेगी। कांशीराम साहब बार बार इस बात कहते थे कि बहुजन समाज ये अवसरवादी है, और चौथी बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ में बनी है तो वहां पर जो काम किए गए हैं पूरे बुद्धिज्म को फॉलो करके किए गए, बुद्धिज्म के अंदर में जो जो हिस्टोरिकल चीजें रही उन्हीं का एक इंस्पिरेशन लेकर वहां पर वो सारी चीजें डेवलपमेंट है, उसमें स्कूल हो, कॉलेजेस हो, फिर यूनिवर्सिटीज हो, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का जो पार्क, जो सिंधु संस्कृति के कॉन्सेप्ट को लेकर आया है, इतनी सारी चीजें वहां पर की गई है जिसको हम सही मायने में, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर में ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं रहा, स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट करके दिखाया है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और वहां पर आने के बाद में इतना सारा डेवलपमेंट अगर वहां पर हुआ, अगर ये सरकार केंद्र के अंदर में आ जाती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में अगर आ जाएगी तो कितना सारा डेवलपमेंट होगा, आप इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो आज के व्लॉग को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में। कोई भी चीज पसंद आएगी लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।